चलती है सियासी चाल, जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। असहिष्णुता पर वीके सिंह का बयान, पैसे लेकर छेड़ी गई है बहस। अशोक वाजपेयी का इनकार, आजम का बयान सामने आया असल तस्वीर। सम्मान वापसी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान, कहा अवार्ड को संभाल कर रखना चाहिए, बहस और चर्चा के जरिए दूर करें मतभेद। एफडीआई के मसले पर संघ परिवार में घमासान, भारतीय मजदूर संघ की केंद्र को चेतावनी, लाए श्वेत पत्र नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए रहे तैयार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, दोहरी नागरिकता का लगाया आरोप, सरकार से की कार्रवाई की मांग, गलत तरीके से इंग्लैंड में कंपनी खोलने का भी आरोप। G20 समिट में पीएम मोदी की मांग, आतंकवाद का काम करो तमाम, ओबामा से की मुलाकात, आज साझा बयान जारी होने की उम्मीद। पेरिस अटैक के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई और तेज, 104 लोग घर में नजरबंद, दो हमलावरों की पहचान, अब तक 33 गिरफ्तार, आईएसआईएस के 3 ठिकानों को किया बर्बाद। पेरिस हमले पर आजम का विवादित बयान, पेरिस अटैक को बताया एक्शन, संभल पावर बाद में बयान से किया इनकार। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी को लिखी चिट्ठी, फिर भी जन्म संग्रह की बात। और समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5-स्टार जन्मदिन, सीएम अखिलेश का आदेश, सूबे भर में हो जन्मदिन के समारोह। नमस्कार, स्वागत है लाइव इंडिया पर, मैं हूं सुजाता। और पेरिस हमले से पूरी दुनिया सहमी हुई है, पूरी दुनिया परेशान है, आखिर आतंक का ये कैसा घिनौना चेहरा है जो दुश्मन। लेकिन दूसरी तरफ पेरिस हमले को जायज भी ठहराया जा रहा है। हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की वकालत कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ही आईएसआईएस की इस घिनौनी करतूत की वकालत हो रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने इस हमले पर जो बयान दिया है उससे यही लगता है कि इसे वो जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आजम की आतंकवाद की वकालत सही है। पेरिस में हुए आतंकी हमले को लेकर दुनिया परेशान है, यही नहीं दुनिया से आतंक को खत्म करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में इस हमले के समर्थन में यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान उतर आए हैं, उन्होंने इस हमले को एक्शन का रिएक्शन करार दिया है। आजम खान का कहना है कि इराक और सीरिया में जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश कत्लेआम मचा रहे हैं उसी का नतीजा है पेरिस हमला। पेरिस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस की राजधानी में शुक्रवार की काली रात ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आतंक का ऐसा विभत्स चेहरा जिसे देखकर दुनिया सहम गई है। ऐसे में आतंक के खिलाफ अलग अलग सुर दिखाने वाले देश भी
अब एकजुट होकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आतंक की इस घिनौनी करतूत के समर्थन में सुर सुनाई दे रहे हैं। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान इस हमले को जायज ठहरा रहे हैं। ये दलील दे रहे हैं कि पेरिस में जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि एक्शन के खिलाफ रिएक्शन था। ये पेरिस में क्या हो गया? किसने बम फोड़ दिए? निंदा करो इसकी। बेगुनाह मारे गए, इसकी निंदा करो। और इससे पहले अमेरिका और रूस ने जितने बेगुनाहों को मारा है उनकी भी निंदा करो। दरअसल हर विवादित मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले आजम खान ने आईएसआईएस के पेरिस पर किए गए हमले को कहीं ना कहीं जायज ठहरा दिया है। यही नहीं, दुनिया की सुपर पावर्स को आगाह भी किया है। आजम खान भले ही पेरिस हमलों के खिलाफ दलील दे रहे हैं, लेकिन आजम की दलीलों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आजम खान पेरिस हमले को जायज ठहरा रहे हैं? क्या आईएसआईएस ने जो पेरिस में किया वो सही है? क्या पेरिस हमले पर आजम को दुख नहीं है? क्या एक्शन का रिएक्शन कहकर आईएस की करतूत को जायज ठहरा रहे हैं? आजम भले ही एक्शन का रिएक्शन कहकर इस हमले को जायज ठहरा दें, लेकिन उनके बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। विरोधी ऐसे बयान की निंदा कर रहे हैं। देखिए, आजम खान का जो बयान है वो बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है। आतंकवाद को किसी प्रकार का एक्सक्यूज देने का प्रयास करना यह कतई उचित नहीं है, और इस प्रकार के बयानों से किसी भी समझदार नेता को हमेशा के लिए बचना चाहिए। ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए जिससे कि आतंकवाद को शरण मिलता हो, आतंकवाद को एक एक्सक्यूज मिलता है। पेरिस हमले से दुनिया परेशान है, लेकिन आजम के बयान से देश हैरान है। आखिर पेरिस हमले को वो कैसे जायज ठहरा सकते हैं? एक्शन का रिएक्शन कहने के कई मायने निकलते हैं। ये सच है कि सीरिया और इराक में अमेरिका और उसके सहयोगी देश आए दिन आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें कई बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले की हिंसा को जायज ठहराया जाए। विकास चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो आजम खान कई मुद्दों पर कई बार विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं, बदनामी भी लेते हैं, लेकिन जब आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की बेतुकी बात वो कहते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लगते हैं। और क्यों आखिरकार आजम खान ने ऐसा क्यों कहा, और आजम खान के इस बयान को हम क्या माने? क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अगर किसी आतंकवादी घटना का समर्थन करते हैं तो क्या ये पूरी समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है? इस पर हम बात करते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी है, इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल जी है, बीएचपी से विजय शंकर जी है, और वसीम रिजवी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से है। और क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है तो सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, आजम खान साहब हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आतंकवाद पर वो इस तरह का बयान देते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। क्या समाजवादी पार्टी जायज ठहरा रही है जो पेरिस में हुआ उसे? आजम साहब ने बयान इस मानों में नहीं दिया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। ये तो मीडिया के जरिए इस तरह की बातें सामने आई है। जो वहां पे हादसा हुआ जिसमें तमाम बेगुनाह लोग मारे गए, उसके लिए मजम्मत की आजम साहब ने अपने बयान में। साथ साथ में ये जरूर कहा कि जो मुसलमानों के साथ में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जो सुपर पावर्स उन पे हमले कर रहे हैं और पूरे पूरे शहर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। तो क्या गलत कह दिया? तो उनका समर्थन कौन करता है? लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, बात होती रहती हैं, लेकिन जब आप चुनाव करते हैं आप एक्शन का रिएक्शन बोलेंगे, इसका मतलब जायज आप ठहरा रहे हैं। विजय बहादुर जी, क्या ये चुनाव करना नहीं है? क्या ये सेलेक्टिव होना नहीं है?
बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म की बात भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद भारत में ऐसा हो रहा है। देखिए, आजम खान की अपनी नाराजगी समाजवादी पार्टी से हो सकती है, किसी अंदरूनी मामले पे वो नाराज भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उनको हर्ट भी कर सकती होंगी, पर जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत पर सवाल खड़ा होता है, और ऐसे बयान और ऐसा कृत्य हमको कदापि नहीं करना चाहिए जिससे भारत को लेकर कोई सवाल खड़ा होता हो। क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिल्ली में एक पवेलियन पे थे और उन्होंने जिस तरह से घटनाओं को कंडेम किया, और आजम खान साहब का बयान उससे इतर है। आजम खान उत्तर प्रदेश के सामान्य नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, और ऐसे में जब वो तकरीर करते हैं, जब वो ये बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरी समाजवादी पार्टी पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी उनके बयानों का समर्थन करती है या फिर उनसे किनारा करती है, उन्हें कंडेम करती है। कितनी कार्रवाई आजम खान पर हो पाएगी ये बड़ा सवाल है, और लगातार समाजवादी पार्टी कई बार एम्ब्रेस हो चुकी है, पर यह स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि वो यूएन से लेकर बाकी सब जगहों पर जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलग अलग उस पर प्रतिक्रियाएं भी हैं। लेकिन आजम के इस बयान से स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के जब वो मंत्री हैं तो उनके कृत्य पर भी सवाल होता है और भारत पर भी सवाल खड़ा होता है, इसलिए मुझे लगता है कि इन मर्यादाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। अमरनाथ जी, वैसे कांग्रेस के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं हमेशा से समाजवादी पार्टी के, फिलहाल थोड़ी सी तल्खियां हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बयानबाजी होती है ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर, जो भारत खुद दो ढाई दशक से भारत खुद आतंकवाद का मसला झेल रहा है, उसे तबाह बर्बाद है, बावजूद इसके अगर भारत में इस तरह की चर्चा होती है तो धर्म निरपेक्ष के नाम पर क्या इसे अलाउ किया जा सकता है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, इसका धर्म निरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आजम खान जी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं और काफी समय मंत्री रहे हैं, वो अपनी सीमाएं जानते हैं। इसका आधार धर्म निरपेक्षता ही है, इसलिए संबंध से इसमें नहीं। मैंने आपसे कहा कि धर्म निरपेक्षता की बात आप कह सकते हैं कि हमारा धर्म निरपेक्ष दल है और है, स्थापित धर्म निरपेक्षता है, और जहां तक बात यह है कि समाजवादी पार्टी वो भी सेकुलर पार्टी है, लेकिन उनके नेता अगर ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें मुलायम सिंह जी को या पार्टी को देना चाहिए। क्यों कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आजम खान जी इस बात के एक्सपर्ट हो चुके हैं कि प्रदेश के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं, यूएनओ जाने की बात करते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को प्रदेश स्तर पर ले आते हैं, उनको इसमें बयान देने की क्या जरूरत? ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं आतंकवादियों की हिमायत, जो कतई मंजूर नहीं करनी चाहिए इस देश को और नहीं मंजूर करता है ये देश। ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उन्होंने दिया है ऐसा बयान जी। इस बयान की जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहिए की जा रही है और करी जाएगी। आजम खान जी अपने दल की राजनीति न करके, अपने कार्यों को न करके, उनके बजट का पूरा पैसा न करके बात करेंगे। ये बयान उन्होंने दिया है, आप समाजवादी पार्टी का बचाव, मैंने क्या कहा, उन्होंने बयान दिया है पैसे, लेकिन मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ विजय भाई, मैं बचाव आप कर रहे हैं जी, बचाव आप कर रहे हैं। बचत मैंने बयान नहीं सुना, अभी नहीं सुनाया गया है, मैंने नहीं सुना, अभी नहीं सुनाया गया। मैंने कहा कि मैं करा है, उनकी आदत है, मैंने पहले कहा यूएनओ अगर मगर से छोड़ करके आपने ठीक कहा विजय भाई, अगर मगर नहीं आप कहना भी चाहिए। आप ये बताइए कि आप केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है विजय भाई, केंद्र में आप बैठे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं इस पे, या आप अलाउ करते हैं? नहीं, स्वाभाविक है कि हम सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए, और जिस तरह से उनका कृत्य हुआ है, जो उनके बयान है, उससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। स्वाभाविक रूप से वो एक सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, और जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो उसे एम्ब्रेसिंग स्थिति होती है, और किसी भी तरह की कहीं भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो इस तरह के हिंसा की वारदातें हैं, उनको कहीं विश्व में कहीं भी घटना घटती है उसको जायज नहीं ठहरा सकते, और जब अगर मगर से बात शुरू होती है तभी ये सारे सवाल अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी रिजवी साहब आप तक बहुत से बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं से इसका खंडन नहीं किया गया है, और आज तक कभी भी जब आजम खान ने बयान दिए हैं तो ना उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हम ये मानकर चले कि इस बार भी कुछ नहीं होगा, एक बार वो कहते हैं दूसरी बार कहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उनके बयान को। देखिए आजम साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये तो बिल्कुल बात सही है। उन्होंने कब ऐसा कहा कि आतंकवाद का समर्थन, उन्होंने कब किस अपने बयान में किया? हमेशा उन्होंने आतंकवाद की घटना चाहे जहां घटी हो उन्होंने उसका विरोध किया है। आज इस बात को सोचना चाहिए, जो लोग उंगली उठाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है किसी एक समाज को, अगर कोई आदमी क्या दाढ़ी टोपी रख लेना कोई पहचान होती है किसी मजहब की? लेकिन वसीम साहब ये बताइए कि अगर हम ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है तो क्या मासूम लोगों की तो जान गई है, हम उसे जायज ठहरा रहे हैं कि ठीक है जो इराक में हुआ, ईरान में हुआ, जो सीरिया में हुआ, उसका रिएक्शन ये है तो ठीक है, अगर कुछ लोग मर गए तो ठीक है, क्या हम इसे जायज मान लें? पार्टी के प्रवक्ता हैं कि मुसलमानों के रहनुमा बनकर यहाँ बैठे हैं। एक तरफ तो आज आपके मुख्यमंत्री सेक्युलर और गैर सेक्युलर की परिभाषा बता रहे हैं दूसरों को, और दूसरी तरफ आप यहाँ कहते हैं कि मुसलमान और दाढ़ी और टोपी की बात करते हैं, तो अरे भाई देश की बात करिए। अगर मुसलमानों को अगर कोई आतंकवादी है तो उसका कोई मजहब नहीं है, गांधी जी को मारने वाला आदमी का कोई मजहब नहीं है, हम उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ सकते। इंदिरा गांधी जी को मारने वाले आदमी को हम किसी मजहब से नहीं जोड़ सकते। अगर कोई आदमी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है तो वो आतंकवादी है, वो किसी मजहब से नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में अगर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, बंटवारा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने खुद बंटवारा कर दिया मिडल ईस्ट में और वेस्ट में बंटवारा कर दिया कि वेस्ट ने मिडल ईस्ट में आतंकवाद की नींव रखी है। विजय शंकर साहब, आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी अगर अपने ही देश में होती है तो प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश जाकर बोलते हैं कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आइए मिलजुल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, तो सवाल उठता है कि अपने देश में ही एक नहीं आतंकवाद के खिलाफ? देखो अभी दो बातें हुई हैं, एक तो विषय है क्रिया की प्रतिक्रिया और दूसरा आतंकवाद, इन दोनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वसीम रिजवी भाई ने तो आजम खान साहब को पूरी तरीके से समर्थन कर दिया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है आतंकवाद का उन्होंने समर्थन किया, उसमें भी इनकी सहमति है, ऐसा जो लगता है वो यही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखो आपने पूरा समर्थन किया है और आपने उनको कंडम नहीं किया है, असली बात तो थी कि उनको कंडम करते हैं या उनका समर्थन करते हैं। वसीम भाई आपने उनका समर्थन किया है, उनका समर्थन किया है इसका मतलब है कि आपने आतंकवाद का समर्थन किया है, कुल मिलाकर के सारी बात इससे निकल करके आती है। कोई ऐसी बात की नहीं, उन्होंने आतंकवाद का नहीं, वो अभी सब लोग सुन रहे हैं, अभी लोग सुन रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो सुनाई पड़ रहा है, उसमें ज्यादा घुमाने फिराने का कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के पहले नेता हैं जिन्होंने आतंकवाद के समर्थन में भी बात कही है, पहले नेता है ये। अनावश्यक पूरे दुनिया भर से लानत भेजी जा रही है आईएस के लिए, आतंकवाद के लिए, लेकिन आजम खान साहब ने इसका समर्थन किया है। लेकिन ये जो क्रिया की प्रक्रिया वाली बात है, एक मिनट, नहीं नहीं कहा है उसका कोई और मतलब हो सकता है, मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं बात, विजय शंकर जी माफ कीजिएगा आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हर तीसरा इंसान रोटी को तरसे, नेताजी के जन्मदिन पर करोड़ों बरसे, शर्मिंदा होगा समाजवाद, नेताजी का फाइव स्टार बर्थडे शाम 6 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों, एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है, अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पेर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा एक मिनट, पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो, वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं, वो तो घर पर बैठा है,
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। तो आजम खान के बयान से फिर विवाद हो गया है। आजम खान ने एक बयान दिया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि जो पेरिस में हमला हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। तो क्या आजम खान समर्थन कर रहे हैं पेरिस में जो घटना हुई है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, शोक मनाया जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ये कहती है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है तो जायज है? और ऐसा करने में सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है बल्कि कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर ने भी इसके लिए एक तर्क दिया है। क्या कहा है मणिशंकर अय्यर ने, ये भी आपको बताते हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पेरिस हमले पर फ्रांस को विचार करना चाहिए, इसको कैसे रोकें। कहते हैं कि फ्रांस में हिजाब नहीं पहना जा सकता, उस पर पाबंदी है, जिसका मुसलमानों की सोच पर कुछ तो असर होगा। मणिशंकर अय्यर इसे हिजाब से जोड़ देते हैं और समाजवादी पार्टी से तो हम बात कर ही रहे हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, ये कारण वो बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ चीजों पर पाबंदी होती है, किसी की सोच पर आप रोक लगाएंगे तो इस तरह से वो रिएक्ट करेगा। मैं उनके बयान से मैं कतई सहमत नहीं हूँ, ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा, पार्टी इस बयान से सहमत नहीं होगी, मेरा ये मानना है। और जहां तक बात आतंकवादी घटना की है, तो किसी भी तरीके से हो आतंकवादी घटना वो निंदनीय है, उसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए। आज हम जिस बहस में बैठे हैं आजम खान साहब के बयान पे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। हिमायत किसकी आखिर है, गलती किसकी है? अमरनाथ जी, वो खुर्शीद भाई ने जो पाकिस्तान में जाकर बोला है उसके विषय में जरा कुछ बता दीजिए। खुर्शीद भाई ने जो पाकिस्तान में जाके बोला है उसके विषय में बता दीजिए कुछ। क्या नहीं, उन्होंने क्या बोल दिया वहां पाकिस्तान? उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान ने शांति प्रक्रिया की पहल की लेकिन भारत ने उसका समुचित उत्तर नहीं दिया। ये पाकिस्तान की धरती में जाकर बोलना, आज के परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए नवाज शरीफ भाजपा के चीफ गेस्ट पार्टियों के लोगों से हमारा यही सवाल है कि आखिर राजनीति, ये आतंकवाद के समर्थन में बयान है, ये आतंकवाद के समर्थन में बयान है। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान, भारत में जो आतंकवाद है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर की बात करते हैं। और मणिशंकर अय्यर की ये पहली बात नहीं है, दूसरी बात जो इससे खतरनाक है, उन्होंने पाकिस्तानियों से कहते हैं कि अगर मोदी सरकार को हटाना है आप हमारा सहयोग करिए। भाई बहुत बड़ी बात है अमरनाथ जी, आप जरा इस विषय पर दुनिया को बता दीजिए, लोगों को बताइए कि क्या बात है, कांग्रेस का यही स्टैंड है क्या? दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि बिहार में अगर बीजेपी हारी पाकिस्तान को काटेंगे। सभी लोगों से ये सवाल है कि राजनीति के नाम पर आप देश को कमजोर क्यों कर रहे हैं, समाज को क्यों काट रहे हैं, उसकी भी हम भर्ता करते हैं। और एक तीसरी चीज अमरनाथ जी, एक तीसरी चीज और बता दीजिए साथ के साथ में, कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट से एक आतंकवादी को एक फांसी की सजा हुई थी तो 40 से अधिक लोगों ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आड़े आ गए थे, सामने खड़े हो गए थे, उसमें से कुछ कांग्रेस के लोग भी थे, शशि थरूर भी थे उसमें, तो वो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इनका बचाव करना चाहिए, वो भी आतंकवाद के समर्थन में खड़े होना हुआ, वो भी एक बार लोगों को बता दीजिए। देखिए वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो पार्टी लाइन नहीं है, वो व्यक्तिगत है, बहुत से लोग डेट भाई कांग्रेस में बहुत अच्छी बात है अमरनाथ जी, इसकी जय जय करनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा बोलते हैं तो पार्टी लाइन से हट जाते हैं, कल भी हम दो जगह थे वहाँ भी पार्टी लाइन से हटकर उनका, वो तो पार्टी लाइन से अलग हट के बात करते हैं, इनको हटाते क्यों नहीं है, इनको हटाते क्यों नहीं है, इससे देश का नुकसान होता है। हर पार्टी का यही रोग है, बीजेपी की तरफ से मैं याद दिला दूं कि साक्षी महाराज ने भी दादरी कांड पे एक्शन का रिएक्शन बताया था। इधर अगर हम साध्वी प्राची की बात करें तो वो भी उस घटना का समर्थन करती है, जब वीएचपी एक मिनट खंडन किया। साध्वी साक्षी वीएचपी की नहीं है ना भाजपा की है, वो इंडिपेंडेंट है, और मैं बार बार 100 बार कह चुका हूँ, साक्षी ना ही बीएचपी की है ना भाजपा की है, आपको बात समझ लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट बात करती है वो, उनसे इंडिपेंडेंट आप उनकी क्रिया लीजिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। विजय बहादुर जी, साक्षी महाराज तो इंडिपेंडेंट। मैं प्राची की बात कर रहा हूँ, प्राची की। विजय बहादुर जी से मेरा सवाल है, जब ये सारी चर्चाएं हो ही रही है तो हम
अपने बारे में हम कुछ और कहते हैं, दूसरों के बारे में हम कुछ और कहते हैं। साक्षी महाराज अगर दादरी कांड को एक्शन का रिएक्शन कहते हैं तो उसी का जवाब उन्हीं के बराबरी के हैं आजम खान भी, और उस तरह के बयान देते हैं। देखिए, दादरी की घटना और पेरिस में हुए उस अटैक को आप एक साथ नहीं जोड़ सकती हैं, एक बात। टेरर किसी भी तरह का हो, विजय बहादुर जी, आप बात खराब मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आगे एक व्यक्ति के प्रति हो या 100 व्यक्ति के प्रति हो? नहीं नहीं, एक मिनट सुन, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि इसीलिए हमने कहा कि समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस मुद्दे पर उसको आगे आना चाहिए था, उसको खंडन करना चाहिए था और कहीं ना कहीं अपोलाइज करना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था कि यह गलती हुई। हमारे किसी भी नेता द्वारा यदि कोई ऐसा कृत्य होता है तो पार्टी का पार्टी अपना पक्ष रखती है। जैसे अभी अमरनाथ जी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये पार्टी लाइन नहीं थी, लेकिन जो पार्टी लाइन नहीं थी और कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात कर रहा है तो फिर पार्टी को भी तो सामने आना पड़ेगा बोलने के लिए, और इसीलिए सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जो बहस हुई उस बहस को लेकर आपकी पार्टी कभी नहीं आती है, आपकी पार्टी क्रिया नहीं होती तो इस मुद्दे पर बहस नहीं होती। ठीक है विजय भाई, संगीत सोम के बयान पे आपकी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है कि 50,000 आदमी लेके दादरी आ जाऊंगा। कब तक बचने की कोशिश करेंगे? रिजवी साहब की बात नहीं, नहीं आपकी पार्टी का आरोप है, आप सारे खतरे आपकी जवाबदेही है। आपकी नाकामी की वजह से, आवाज उठाता है आपके गलत नीतियों की वजह से दादरी से लेके बदायूं तक की घटना होती है, वो आपकी नीतियों का परिणाम है। राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए आप ये कब तक आसन बनाने के लिए जान दे रही हैं? दो साल हो गए, तथ्य उत्तर प्रदेश का है, महंगाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए समझना यही जरूरी है। उत्तर प्रदेश का आतंकवाद रोकिए उनको नहीं है। अरे भाई अभी तो आपके मजदूर संघ, आपका स्वदेशी मंच यही कह रहा है कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर आप चल रहे हैं। यही कह रहा हूँ कि आतंकवादी आतंकवादी है, उसका मजा होता है, लेकिन यहाँ वोट बैंक के आधार पर जब हम यह भी तय करते हैं तो कहीं कहीं देश कलंकित होता है। रिजवी साहब, हम एक एक और ये सवाल उठाए, ऐसे बयानों पे बयान लगाने की यूपी से क्यों आते हैं? क्या चुनावों का निगाह है कभी बीजेपी की तरफ से तो कभी समाजवादी पार्टी के रूप में? सपा का भी साथ आप लेते रहे हैं तो अब आप उससे कैसे चुनाव लड़ते हैं? पूछना चाहती हूँ, तो आपके दोस्त हैं मुलायम सिंह जी, बिहार में तो आपकी सरकार जा आप जिम्मेदारी तो निर्वहन करते हैं, पर आप भी तो जानते हैं ना कानून व्यवस्था राज्य का विषय है जी। चलिए हम किसी भी मुद्दे पर बात करें, लेकिन वो सारा जो मामला होता है, सारा मुद्दा आरोप प्रत्यारोप पर राजनीति पर ही भटक जाता है। लेकिन आप सभी से, सभी पार्टियों से, आप जितने प्रतिनिधि यहाँ हैं और जो बाहर भी हैं, उन सब से हमारी सिर्फ गुजारिश है कि कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे देश में टूट हो, समाज में टूट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देश आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं उन्हें ये लगे कि भारत दोहरे मापदंड अपना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। की जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
आने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों बाद में बयान से किया इनकार। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी को लिखी चिट्ठी, फिर भी जन्म संग्रह की बात। और समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5-स्टार जन्मदिन, सीएम अखिलेश का आदेश सूबे भर में हो जन्मदिन के समारोह। इंग्लैंड में कंपनी खोलने का भी आरोप। G20 समिट में पीएम मोदी की मांग, आतंकवाद का काम करो तमाम, ओबामा से की मुलाकात, आज साझा बयान जारी होने की उम्मीद। पेरिस अटैक के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई और तेज, 104 लोग घर में नजरबंद, दो हमलावरों की पहचान, अब तक 33 गिरफ्तार, आईएसआईएस के 3 ठिकानों को किया बर्बाद। पेरिस हमले पर आजम का विवादित बयान, पेरिस अटैक को बताया एक्शन, संभल और पावर। नमस्कार, स्वागत है लाइव इंडिया पर, मैं हूं सुजाता। और पेरिस हमले से पूरी दुनिया सहमी हुई है, पूरी दुनिया परेशान है, आखिर आतंक का ये कैसा घिनौना चेहरा है जो दुश्मन। लेकिन दूसरी तरफ पेरिस हमले को जायज भी ठहराया जा रहा है। हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की वकालत कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ही आईएसआईएस की इस घिनौनी करतूत की वकालत हो रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने इस हमले पर जो बयान दिया है, उससे यही लगता है कि इसे वो जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठती है, सियासी चाल जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। असहिष्णुता पर वीके सिंह का बयान, पैसे लेकर छेड़ी गई है बहस, अशोक वाजपेयी का इनकार, आजम का बयान सामने आया असल तस्वीर। सम्मान वापसी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान, कहा अवार्ड को संभाल कर रखना चाहिए, बहस और चर्चा के जरिए दूर करें मतभेद। एफडीआई के मसले पर संघ परिवार में घमासान, भारतीय मजदूर संघ की केंद्र को चेतावनी, लाए श्वेत पत्र नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए रहे तैयार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, दोहरी नागरिकता का लगाया आरोप, सरकार से की कार्रवाई की मांग, गलत तरीके